गोदी मीडिया ने इतना जहर फैलाया है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। एक बड़ा मामला सामने आया है, ये तो हम जानते हैं कि गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा और हिंदू मुस्लिम डिबेट से सिर्फ नफरत फैल रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी से घृणा पैदा किया जा रहा है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि मीडिया का प्रभाव और उसके फेक न्यूज का असर इंडियन साइंस और इंडियन मेडिकल रिसर्च पर भी होता है? शायद आपको झूठ लगे, आप मेरी बातों को सिरे से खारिज कर दें, आपके कानों पर यकीन ना आए, लेकिन ये सच है। इंडियन मेडिकल MBBS के सिलेबस में एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी शामिल है और इस किताब के मौजूदा एडिशन में कोरोना वायरस पर एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलने की वजह निजामुद्दीन मरकज को बताया गया है, जिसका आधार फेक न्यूज़ है। लेकिन मुस्लिम यूथ के बरवक्त अवेयरनेस से अब ऑथर के साथ पब्लिशर ने खुलेआम माफ़ी मांग ली है और किताब के नए एडिशन में काबिल एतराज़ मवाद को हटाने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन क्या ये सब कुछ अनजाने में हो रहा है? आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। MBBS में माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में रेफरेंसेस माने जाने वाली किताब, जिसको लाखों MBBS करने वाले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके दो राइटर हैं डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री और डॉक्टर सिंधिया भट्ट। इस किताब के सेक्शन 8 में ये जहरीला जुमला दर्ज है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ शब्दों में लिखा है, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस तबलीगी जमात के मार्च महीने में होने वाली इज्तिमा के बाद शिद्दत से भड़का। ये किताब कोई अखबार का तराशा नहीं, न ही न्यूज वेबसाइट पर चलने वाली टैगलाइन है और न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सियासी बयान है और न ही टीवी डिबेट में हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाने वाले महामानुभाव के जहरीले मंच का जुमला है, बल्कि ये सब कुछ एकेडमिया में हो रहा है, दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जो सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि बाद में चलकर हजारों दिमाग को एक कम्युनिटी से घृणा और नफरत सिखाएगी, बल्कि नफरत साइंटिफिकली प्रोस कर दी जा रही है और दलील की रोशनी में वजूहात फराहम किया जा रहा है और यही बाद में चलकर तारीख का हिस्सा बनेगी, जिसका आधार ही बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। तबलीगी जमात ने कुछ ऐसा नहीं किया जो इस तरह के दावे की तस्दीक करता हो, जबकि मार्च महीने में और इससे पहले बड़े पैमाने पर समाजी और सियासी प्रोग्राम हुए, गुजरात में नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम हुआ और भी बहुत सी बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई, लेकिन तबलीगी जमात को मीडिया ने बलि का बकरा बनाया और उसकी शबीह को दागदार कर दिया, बल्कि समाज में नैरेटिव खड़ा कर दिया। अब स्क्रीन पर यह किताब देखिए, ये वही किताब है जो MBBS के छात्र पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। इस किताब का पता 28 फरवरी 2021 को स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले कुछ मुस्लिम मेडिकल छात्र को चला। उन्होंने MBBS सेकंड ईयर की तैयारी के लिए जब माइक्रोबायोलॉजी की किताब खरीदी तो उनकी नज़र किताब के इस चैप्टर पर पड़ी, जहाँ पेज नंबर 8 पर दर्ज था, इंडिया में कोविड स्प्रेड तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से हुआ और लोगों में फैला, बरवक्त कार्रवाई और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट के साथ नौजवानों ने मुसन्निफ और पब्लिशर से राब्ता किया, जिसमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO महाराष्ट्र समेत दीगर नौजवान शामिल हैं। इन नौजवानों ने मुसन्निफ और पब्लिशर से बातचीत की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, तबलीगी जमात को लेकर मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए गए। फिर जब वाकयात को गलत बयानी से पेश करने का मामला उजागर हुआ तो एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नामी किताब के मुसन्निफीन ने माफ़ी मांग ली और अपनी किताब में छपी हुई कोरोना के फैलाव और तबलीगी जमात के रोल को लेकर अगले एडिशन में तब्दीली की यकीन दहानी कराने लगे और डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री और डॉक्टर सिंधिया भट्ट ने वजाहत भी जारी की। आप ये माफीनामा स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर हमने SIO महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुसद्दिक से बात की और इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश की। देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज साथियों, SIO मुख्तलिफ तलबा के इशूज़ को हर वक्त एड्रेस करती है, उसके सोल्यूशन के लिए जदोजहद करती है। उसी तरीके से एक जो मसला अभी MBBS की एक बुक JP पब्लिकेशन की तरफ से जो पब्लिश हुई थी, माइक्रोबायोलॉजी की, जो MBBS सेकेंड ईयर को पढ़ाई जाती है, जो लोग इसे रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ करते हैं, तो इस बुक के अंदर कुछ फेक न्यूज़ की बुनियाद पर तबलीगी जमात के हवाले से कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई थी जो बहुत ही जो है गैर अखलाकी थी, गलत थी।
उसको हमारे एक मेंबर ने 27 से 28 फरवरी के दरमियान में हमको नोट करवाया था कि ऐसे मामला जो है इस बुक के अंदर लिखा गया है। तो ये इशू को देखते हुए हमने 1 मार्च को जेपी पब्लिकेशन के मुंबई के ऑफिस पे कॉल किया और फिर वहाँ से हमें जो है उनका दिल्ली हेड ऑफिस का नंबर मिला, हमने वहाँ बात की। तफसीली गुफ्तगू के दौरान हमने उन्हें बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से क्या ऑब्ज़रवेशन है, किस तरीके से मीडिया के इस फेक ट्रायल को, फेक न्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है और बहुत स्ट्रिक्टली मीडिया को गाइडलाइन के हवाले से बात कही। इन्हीं चीज़ों का हवाला देते हुए उनसे बात की गई, उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की कि हाँ ये हमने मीडिया के ज़रिए से इसको लिया है और इसको इंक्लूड किया है, और उन्होंने हमसे कहा कि हम अपोलॉजी लेटर जो है इशू करेंगे लेकिन हमें इसके लिए कार्रवाई करने के लिए 8-10 दिन का वक्त चाहिए। तो हमने उन्हें उतना वक्त दिया और एक लेटर भी हमने इशू किया था। हमने ये सोचा कि जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो हम हमारे जो दिल्ली जोन है, दिल्ली जोन के ज़रिए वहाँ तक उन तक जो है लेटर पहुँचाएँगे और उसका फॉलोअप लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके बाद ऑथर की तरफ से एक अपॉलोजी लेटर जो है वायरल हुआ पब्लिकली। फिर भी हम लोगों ने कंफर्म करने के लिए उन्हें कॉल किया, पब्लिशर्स को कॉल किया, पब्लिशर से फिर से कंफर्म किया और फिर ऑथर से भी बात की, ऑथर से भी कंफर्म किया कि क्या मामला है, वो क्या वाकई में अपोलॉजी लेटर उनकी तरफ से आया है। ये पूरी कंफर्मेशन के बाद, ठोस न्यूज़ होने के बाद, हमारे पास बाज़ाबतगी से सबूत आने के बाद हम लोगों ने इस बात को प्रेस में फिर रिलीज़ किया कि एसआईओ ने शुरू वक्त से जिस तरीके से हमने कॉल किया, फिर लेटर की बात है, फिर उसके बाद जो हमारा फॉलोअप रहा और अब आज की बात यह है कि हम जिस तरीके का मामला उन्होंने अपोलॉजी वगैरह की है वो आप लोगों के सामने वाज़ है। हमारा मौक़िफ़ इसमें बहुत साफ़ है कि जिस किसी किस्म की भी नाइंसाफ़ी होगी एसआईओ हर वक्त उसके साथ खड़े रहेगी और उस हवाले से काम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हम लोगों ने बहुत फॉर्मली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे दूसरे हमारे मेंबर्स ने भी 3-4 दिन पहले इसको लेके अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, हमने डॉक्टर शास्त्री से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ। हम ये पूछना चाहते थे कि आपने किस दलील और तथ्य की बुनियाद पर यह नतीजा अखज किया जहां तबलीगी जमात को आपने कोविड के स्प्रेड का जिम्मेदार बता दिया। अभी भी ये किताब मार्केट में अवेलेबल है और खूब बिक रही है, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही किताब जब्त की गई है। इस पर मेडिकल एसोसिएशन को एक्शन लेना चाहिए। सवाल यह है कि क्या पब्लिशर और खुद राइटर ने इशू बनने के डर से माफी मांग ली? फिर सवाल यह भी है कि एक पढ़ा लिखा एकेडमिक से ताल्लुक रखने वाला शख्स यूं ही सिलेबस में जहरीला मवाद कैसे लिख सकता है और नफरत परोस सकता है जब तक कि उसका जहन खुद जहर आलूद ना हो? फिर सवाल यह भी कि अब तक पब्लिकेशन और राइटर की तरफ से जो किताब मार्केट में बिक रही है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इससे पहले तबलीगी जमात को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले गोदी मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ आला अदालतों ने गलत बयानी और फेक न्यूज फैलाने को लेकर मीडिया और मरकजी सरकार को फटकार लगा चुकी है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।